नमस्कार इलेक्ट्रीशियन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल विशाल एक्सपेरिमेंट में। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि एक समरसेबल पंप को दो अलग अलग जगह से कैसे चालू और बंद कर सकते हैं। तो जैसा आप सभी देख सकते हो कि मैंने इस वीडियो को दो कलर में बांट दिया है। एक नंबर वाला मेन मकान हो गया और दो नंबर वाला किराए का मकान हो गया। तो एक समरसेबल पंप को दो अलग जगह से चलाने के लिए हमें चाहिए 2 मीटर, 2 MCB, 2 0 वाट के बल्ब और 2 स्टार्टर और एक समरसेबल हमारा रहेगा, ठीक है। तो इतना सब होने के बाद हम वायरिंग करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले हम खंभे से तार को लाकर दोनों मीटर में जोड़ देंगे, फिर MCB में लाकर जोड़ेंगे। इतना हो जाने के बाद हम MCB से आउटपुट लेकर दोनों स्टार्टर में फेस और न्यूट्रल जोड़ देंगे, ठीक है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोनों स्टार्टर में फेस और न्यूट्रल जोड़ने के बाद RYB होगा, तो उसमें R दोनों स्टार्टर के R और R एक दूसरे में कनेक्ट कर देंगे और YY से एक दूसरे में कनेक्ट कर देंगे और B वाला एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इतना वायरिंग हो जाने के बाद हम स्टार्टर के तीनों RYB वायर को समरसेबल पंप के RYB से जोड़ देंगे, ठीक है। ये जोड़ देने के बाद अब हम एक नंबर यानी मेन मकान का जो स्टार्टर है उससे रेड और ब्लू वायर को निकाल कर 0 वाट के बल्ब में कनेक्ट कर देंगे। वैसे ही दूसरे यानी किराए वाले मकान के स्टार्टर में से रेड और ब्लू वायर को निकाल कर 0 वाट के बल्ब में कनेक्ट कर देंगे। अब आप लोग सोचोगे कि ये दो बल्ब क्यों लगाए गए हैं। तो दोस्तों, ये दो बल्ब उस लिए लगाए गए हैं कि मान लीजिए अगर मेन मकान के मालिक ने समरसेबल पंप को ऑन किया, अगर समरसेबल पंप को वो ऑन करेगा तो दोनों बल्ब जल जाएंगे, यानी मकान में जो किराए के मकान में रह रहेगा उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ समरसेबल ऑन है। तब वो उस स्थिति में वो ऑन नहीं करेगा, क्योंकि वो उस वक्त ऑन करने की कोशिश करेगा तो हम मोटर ख़राब होने के चांस रहेंगे, तो वो उस वक्त ऑन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसीलिए ये बल्ब लगाया जाता है कि बल्ब जब तक ऑन रहेगा तब तक कोई ऑन नहीं कर सकता, जब तक बल्ब बंद नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा, वायरिंग आपको पता चल गई। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा।